नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बागी एक ऐसी फिल्म थी जिसने टाइगर की किस्मत ही पलट के रख दी। और दोस्तों, साथ ही इस फिल्म ने टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक एक्शन स्टार के रूप में अपनी एक अलग ही पहचान दिलवा दी। वही दोस्तों, बागी 2 के रिलीज होते ही टाइगर श्रॉफ बन गए इंडिया के फेवरेट एक्शन स्टार। और दोस्तों, इस एक्शन फिल्म के बाद से ही हमें टाइगर श्रॉफ में काफी कुछ बदलाव देखने को मिले, चाहे उनकी एक्टिंग स्किल्स हो, चाहे उनकी पर्सनालिटी हो, या फिर उनके एक्शन सीन्स और स्टंट्स हो। वही दोस्तों, बागी फ्रेंचाइज की हर एक फिल्म में हमें टाइगर का एक नया लुक देखने को मिला। दोस्तों, जहां बागी 1 में हमें टाइगर श्रॉफ लंबे लंबे बालों के साथ नजर आए थे, तो वही बागी 2 में तो टाइगर ने अपने लुक को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया और वो हमें मिलिट्री हेयर कट और चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी के साथ नजर आए। और दोस्तों, अब ऐसे में फैंस के मन में ये सवाल है कि क्या बागी 3 में भी हमें टाइगर का एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो उन तमाम फैंस को हम बता दें कि बागी 3 में भी आपको टाइगर एक नए लुक में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इस बार बागी 3 में हमें टाइगर श्रॉफ एक नए हेयर स्टाइल में नजर आएंगे और साथ ही साथ टाइगर बड़ी हुई दाढ़ी के साथ दिखने वाले हैं। यानी दोस्तों, साफ है कि इस बार टाइगर श्रॉफ का लुक पिछली दो फिल्मों के मुकाबले काफी ज्यादा हटकर होगा। वही दोस्तों, ऐसी खबरें है कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ दो अलग अलग लुक्स में नजर आने वाले हैं। दोस्तों, जहां फिल्म के फर्स्ट हाफ में आपको टाइगर का एक लुक देखने को मिलेगा, तो वही फिल्म के टर्निंग पॉइंट के बाद आपको टाइगर श्रॉफ का एक और लुक देखने को मिलेगा। तो टाइगर श्रॉफ के तमाम फैंस, आप बताइए कि क्या आप भी बागी 3 में टाइगर को एक नए लुक के साथ देखना चाहते हो या नहीं? जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो टॉप चैनल को। जय हिंद।